नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 7 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से लागू हो जाएगा अनलॉक 4। बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेज होंगे डिजिटलाइज। बिहार में रहते बनारस में हो जाएगा अस्थि विसर्जन। मोदी मंत्रिमंडल में जदयू का शामिल होना तय। अब इस तारीख से मुख्यमंत्री सुनेंगे जनता की फरियाद। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से लागू हो जाएगा अनलॉक 4। कोरोना की रफ्तार में भले ही कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार सरकार अभी भी ढील देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि अनलॉक 3 के बाद अब बिहार सरकार ने अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया है, जो कि आज से लागू हो जाएगा। सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन समय के अनुसार ही खोले जाएंगे। विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान और 11वीं-12वीं कक्षा तक के विद्यालय आज से खुल जाएंगे। क्लब, जिम और स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खोल दिए जाएंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के खोले जाएंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता से अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। इसके साथ ही विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में भी अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेज होंगे डिजिटलाइज। बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत चकबंदी से जुड़े दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग की योजना इस महीने के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। इसको लेकर CBSPL नामक एजेंसी को जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसके बाद एजेंसी ने पीपरा में 15 जुलाई से शुरू हो रहे आधुनिक अभिलेखागार के दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन की जवाबदेही दे दी है, जिसके बाद अगर काम संतोषजनक रहा तो सभी अभिलेखागारों का काम दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार उन राजस्व अभिलेखों की संख्या 27 है, जिनका भविष्य में स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन होना है, जिसमें खतियान, रजिस्टर 2 और बुझारत से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय शामिल है। बिहार में तबादला नीति में हुआ बदलाव। पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार में तबादला नीति में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत पिछले साल ही पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर नई रणनीति बनाई गई थी। हालांकि उस वक्त पुलिस विभाग में काम करने वाले दंपतियों को लेकर कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब राज्य सरकार की नीति के तहत ही पुलिस में कार्यरत दंपति या पति पत्नी में कोई भी एक पुलिस में है तो हर संभव प्रयास किया जाएगा कि दोनों एक ही जिले में पदस्थापित हो। हालांकि यह तभी संभव होगा जब पति और पत्नी दोनों की सेवा पूरे बिहार में स्थानांतरित होगी, जिसके तहत पति पत्नी द्वारा दिए गए चॉइस के स्थापना में यदि कोई भी पद स्थापित रहा हो, जिला या क्षेत्र की अवधि पूरी हो चुकी है या फिर जल्दी पूरी होने वाली हो, तो उन्हें ऐसी किसी जिले या इकाई में तैनात किया जाएगा जहां वो पहले नहीं रहे हैं। अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए अहम सूचना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों में स्थित शाखाओं में अप्रेंटिस के तौर पर काम करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। SBI ने कुल मिलाकर 6100 रिक्तियां अप्रेंटिसशिप के लिए घोषित की है। स्टेट बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट SBI.co.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है, जो कि 26 जुलाई तक जारी रहेगी। वहीं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। से मुख्यमंत्री सुनेंगे जनता की फरियाद। लंबे इंतजार के बाद जनता की आवाज अब मुख्यमंत्री के कानों में सीधी जाने वाली है, क्योंकि साल 2016 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दरबार का आयोजन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 12 जुलाई से होने वाली है, जिसके बाद से अब प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। खबरों की माने तो इस बार मुख्यमंत्री सचिवालय के एक हॉल को जनता दरबार के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं विधि व्यवस्था की समीक्षा को लेकर पटना डीएम SSP ने सीएम सचिवालय जाकर तैयारी की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं इसको लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जनता दरबार का कार्यक्रम होगा। पंचायत चुनाव में आरक्षण की ऑनलाइन दी जाएगी जानकारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान सभी पदों के आरक्षण रोस्टर की वार्डवार और पदवार जानकारी ऑनलाइन माध्यम से देने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब राज्य में 8000 से अधिक पंचायतों में अगस्त से अक्टूबर के बीच आम चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद अब पंचायत चुनाव में वार्डवार और पदवार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर योग्य प्रतिनिधि तय कर सकेंगे। इस व्यवस्था से उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने से पहले विशेष निर्वाचन क्षेत्र की वस्तुस्थिति की जानकारी हो सकेगी। पितृपक्ष
मेला को लेकर इस साल भी संशय की स्थिति बरकरार। कोरोना के कारण गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन पिछले साल नहीं हो पाया था। हालांकि इस बार भी मेले के आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। इसको लेकर मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी जारी कर दी गई है। जानकारों की माने तो इस साल इस मेले का आयोजन करवाने की तारीख 19 सितंबर से 6 अक्टूबर तय की गई है। हालांकि अभी भी इसके आयोजन को लेकर सरकार की तरफ से मुहर लगना बाकी है। इस बाबत विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुमति की मांग की गई है, जिसके तहत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल और अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री को ध्यान आकृष्ट कराते हुए पितृपक्ष मेला के धार्मिक पौराणिक महत्व के साथ आर्थिक पक्ष की चर्चा करते हुए गया जिले के लोगों को रोजी रोटी और रोजगार को ध्यान में रखते हुए मेले के आयोजन की मांग की है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरुण कुमार की। अरुण कुमार का जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पेशे से वो पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हैं। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न और काव्यात्मक शैली के ख्यात कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं तथा लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलने वाले साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। इसके साथ ही सामान्य जन के सर्वहारा होते जाने के बावजूद भी उनमें निहित आंतरिक शक्ति तथा परिवर्तन की संभावना का सहज कलात्मक परिचय देने वाली यह पंक्ति अत्यधिक लोकप्रिय हुई है। सन 1989 में उनके दूसरा संग्रह सबूत प्रकाशित हुआ और 1996 में तीसरा संग्रह नए इलाके में, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 9 जुलाई के बाद पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा मॉनसून। बिहार में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर मॉनसून की सक्रियता थोड़ी कम हो गई है, जिसके बाद अब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मॉनसून की सक्रियता को लेकर फिर से नया पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके तहत मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 9 जुलाई के बाद सूबे में और ज्यादा मॉनसून सक्रिय होने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न हवा के दबाव और नमी का सिस्टम कमजोर हो गया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसके तहत बिहार के कटिहार, बांका, मुंगेर और भागलपुर में 7 जुलाई, पूर्वी चंपारण और सुपौल में 7 से 8 जुलाई और अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में 7, 8 और 9 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों को येलो जोन में रखा गया है। यहां मौसम में कभी भी बदलाव हो सकता है। बिहार में रहते बनारस में हो जाएगा अस्थि विसर्जन। डाक विभाग की तरफ से नई सेवाएं हाल ही में बहाल की गई है, जिसके तहत विभाग ने अस्थि विसर्जन की सेवा भी शुरू कर दी है, जो कि बनारस में अस्थि विसर्जन का कार्य विधि पूर्वक डाक विभाग की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि अब कोई भी अपने स्वजनों का अस्थि विसर्जन करना चाहता है तो अस्थि अवशेष स्पीडी पोस्ट से भेज सकता है। इतना ही नहीं, इस काम को करने वालों को विभाग की तरफ से एक बोतल गंगा जल भी दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के हर डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर की 73 सेवाएं लोगों को मिल सकेगी, जिसके तहत डाक विभाग की तरफ से जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हर तरह की पॉलिसी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का किया एरियल सर्वे। बिहार के लगभग 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बाढ़ से राहत दिलवाने के लिए लगातार लोगों की मदद भी की जा रही है। इस बीच बीते दिन बाढ़ में डूबे बिहार का एरियल सर्वे करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले, जिसके तहत उन्होंने पहले चरण में जल संसाधन मंत्री बेतिया और मोतिहारी का एरियल सर्वे किया। इसके साथ ही पहले चरण के बाद दूसरे चरण में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बाद बाढ़ग्रस्त इलाके का एरियल सर्वे करने पहुंचे। हालात की समीक्षा करने के बाद सीएम इस संबंध में बैठक कर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उसी अनुसार राहत और बचाव कार्य को लेकर दिशा निर्देश जारी करते देखे गए। एसबीआई ने खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर बताया नया नियम। एसबीआई ग्राहकों के लिए अहम सूचना। एसबीआई ने हाल ही में अपने सभी खाता धारकों के लिए न्यूनतम राशि को लेकर नई जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि ग्राहक को मिनिमम बैलेंस कब से चुकाना होगा। इसको लेकर बैंक ने बताया कि इस तारीख से मैसेज चार्ज फ्री किया गया, उस तारीख के बाद से कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन उस तारीख से पहले किसी ने मिनिमम बैलेंस नहीं बनाए रखा है तो उसकी अदायगी करनी होगी। इस बाबत एसबीआई ने एक ट्वीट भी जारी किया है, जिसके तहत एसबीआई ने कहा है कि कृपया ध्यान दें कि मिनिमम बैलेंस और संदेश का शुल्क जिस तारीख से नहीं लगने की बैंक ने घोषणा की है, उस तारीख से पहले अगर आपका कोई शुल्क देय है तो उसका भुगतान आपको करना ही होगा। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 143 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1221 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 6, अरवल में 1, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 5, भोजपुर में 2, बक्सर में 1, दरभंगा में 2, ईस्ट चंपारण में 2, गया में 2, जमुई में 1, कैमूर में 2, कटिहार में 3, खगड़िया में 2, किशनगंज में 8, लखीसराय में
में 2, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 11, मुजफ्फरपुर में 6, नालंदा में 3, नवादा में 1, पटना में 17, पूर्णिया में 12, रोहतास में 3, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 3, सारण में 5, शेखपुरा में 2, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2, सुपौल में 2, वैशाली में 5, वेस्ट चंपारण में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,07,092 सैंपल की जांच की गई है। इसके साथ ही 221 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में बाढ़ के कारण कैंसिल होगी बुधवार को ये 6 ट्रेनें। बिहार के अधिकांश प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके कारण बाढ़ का पानी अधिकतर गांव में घुस गया है। हालांकि बाढ़ का प्रभाव अब रेलवे परिचालन पर भी दिखने लगा है। यही कारण है कि बिहार में 6 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है, जिसके तहत बुधवार को नरकटियागंज मुजफ्फरपुर स्पेशल, नरकटियागंज रक्सौल स्पेशल, नरकटियागंज से खुलने वाली मुजफ्फरपुर नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन, रक्सौल नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन और मुजफ्फरपुर मंडुआडीह स्पेशल का परिचालन भी रद्द होगा। बिहार के 3 IPS अधिकारियों को वेतनमान में मिली प्रोन्नति। भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों को वेतनमान में प्रोन्नति दे दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत जिन IPS अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है उसमें विवेकानंद, अजय कुमार पांडे और मनोज कुमार तिवारी का नाम शामिल है। इनमें विवेकानंद 2008 बैच के जबकि अजय कुमार पांडे और मनोज तिवारी 2012 बैच के अधिकारी का नाम शामिल है। ये तीनों अधिकारी बिहार पुलिस सेवा से प्रोन्नत होकर IPS अफसर बने हैं, जिसकी पूरी जानकारी विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने की शुरू हुई कवायद। राजधानी पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत पटना के गांधी मैदान बस स्टॉप से बिहटा और पटना सिटी सहित अन्य कई रूटों के लिए बसों का निर्धारण कर दिया गया है। इन बसों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ इस भीषण गर्मी में निजात पाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस बस के ड्राइवर ने जानकारी दी है कि लोगों की सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई सुविधाओं से ये बस लैस है। इस बस से यात्रा करने वाले लोगों ने परिवहन विभाग की इस पहल को काफी सराहनीय बताया है। आपको बता दें, ये बस पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है। बस में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सभी बस में 3-3 डिस्प्ले है। बस में पैनिक बटन फैसिलिटी भी दी गई है। एक्शन में आए उपेंद्र कुशवाहा। बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद आगामी 10 जुलाई से उपेंद्र कुशवाहा बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वो पश्चिम चंपारण से करेंगे। इसको लेकर जानकारी देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट पर लिखा कि पार्टी की तरफ से प्रदेश भर में उनके जिलावार दौरे सहित प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई से की जाएगी। यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले से की जाएगी। इस दौरान कोरोना, बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे आमजनों को राहत पहुंचाने के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में जदयू कार्यकर्ताओं की आधिकारिक भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। मोदी मंत्रिमंडल में जदयू का शामिल होना तय। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होने वाला है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही जदयू को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद अब जदयू का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय हो गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इसकी पुष्टि कर दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जदयू मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं होगी, लेकिन भाजपा से सारी बातें RCP सिंह करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही भाजपा से बात करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की भी होगी। इसमें वो जिसको भी मंत्री बनाए, इसके लिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। चिराग को पशुपति पारस का लोजपा कोटे से मंत्री बनना नामंजूर। वर्तमान समय में लोजपा 2 फाड़ में बटी हुई है, जिसके बाद से ही पारस खेमा और चिराग खेमा लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं अब मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, साथ ही कैबिनेट में मंत्री की जगह को लेकर होड़ मच गया है। इन सब के बीच अब चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि पशुपति पारस मंत्री बन जाए, लेकिन इस बात से जरूर आपत्ति है कि वो लोजपा की तरफ से मंत्री नहीं बनने चाहिए, क्योंकि 5 बागी विधायकों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अगर इसके बावजूद लोजपा के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो न्यायालय का दरवाजा भी हम जरूर खटखटाएंगे। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने गए मदन मोहन झा। कांग्रेस में फूट को लेकर कांग्रेस में आलाकमान अलर्ट मोड में काम कर रही है। यही कारण है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और
कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा बीते दिन राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पहुंचकर वो कांग्रेस के विधायक और विधान पार्षद और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। हालांकि पटना से निकलने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में कांग्रेस में टूट की बात से साफ इनकार किया है। साथ ही ये भी कहा है कि जदयू के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पहले से ही यह परंपरा रही है कि जीते हुए विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते थे, लेकिन कोरोना के कारण नहीं मिल पाए। इस बार हम लोग जा रहे हैं और कोई बात नहीं है। जिला अध्यक्षों की बैठक में उमेश कुशवाहा ने कही अपनी बात। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अफसरशाही के मुद्दे पर घिरी जदयू लगातार जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उन्हें संगठन को मजबूत करने का निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन आयोजित करवाए गए जिला अध्यक्षों की बैठक में उमेश कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पार्टी मिशन मोड में काम कर रही है। हम लोग संगठन के एक एक व्यक्ति से मिलने का काम कर रहे हैं। मदन सहनी की जो भी परेशानी है सरकार उस पर ध्यान दे रही है। हमारी कोशिश है कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। हमारी सरकार अफसरशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना 1948 में हुई। स्वतंत्र नासा के अपॉर्चुनिटी अंतरिक्ष यान ने 2003 में मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता राघव जी का जन्म 1934 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 1981 में आज के दिन हुआ था। भारतीय सैनिक विक्रम बत्रा का निधन 1999 में आज के दिन हुआ। हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु का निधन 2014 में आज के दिन हुआ था। आज कैप्टन कूल मनाएंगे अपना 40वां जन्मदिन। महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 40वां जन्मदिन मनाएंगे। रांची की गलियों से निकले धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में लंबा सफर तय किया है। धोनी ने सौरभ गांगुली की कप्तानी में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चिट्टगांव में पहली बार टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनी थी, लेकिन माहे इस वनडे मैच में 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके साथ ही 123 बॉल में 148 रन ठोककर भारतीय टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया था। इसके साथ ही पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान कौशल से यहां खिताब पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया था। वहीं साल 2013 में भारत की तरफ से धोनी ने घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक जमाते हुए 224 रन बनाए थे। हालांकि अब धोनी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है, लेकिन आईपीएल की फ्रेंचाइजी सीएसके के साथ अभी भी वो बने हुए हैं। फर्जी एसएमएस और कॉल करने वालों की अब खैर नहीं। अक्सर फर्जी तरीके से कॉल या एसएमएस करते हुए लोगों को झांसा में लाने का काम किया जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हर तरह के फर्जी कॉल और मैसेज को लेकर के सरकार अलर्ट मोड में काम कर रही है, क्योंकि अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अब फर्जी और फ्रॉड मैसेजेस या कॉल करने वालों पर प्रति कॉल 10,000 रुपए तक का फाइन लगाने वाला है, जिसके तहत अब 0 से 10 बार उल्लंघन करने पर हर मैसेज या कॉल के लिए 1,000 रुपए, 10 से 50 बार उल्लंघन करने पर प्रति कॉल और मैसेज 5,000 रुपए, 50,000 से ज्यादा बार नियमों का उल्लंघन करने पर हर टेलीमार्केटिंग कॉल और फर्जी मैसेज के लिए 10,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,750 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,750 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 102.01 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.76 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकास कुमार, शीतल कुमारी, सूरज कुमार, फुलेंद्र कुमार, विजय घायल, मुकेश कुमार, रमाशंकर, ओमकार सिंह, दिव्यांशु कुमारी, राकेश कुमार, अभिनंदन सहरसा, अनवर करीम खान, राजकिशोर पासवान, राजीव कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज महेंद्र सिंह धोनी अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।